ना स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि जब किसी वेबसाइट ने कोई चीज़ सेल आउट करनी है तो जब सेल आउट कोई चीज़ करनी है तो आपको सुनने में यही लग रहा होगा कि अगर कोई वेबसाइट कोई चीज़ सेल आउट करने के लिए बनी है तो इसके अलावा और कोई बेचने वाली वेबसाइट की और कैटेगरीज ही नहीं हो सकती हालांकि ऐसी चीज़ नहीं है लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ न्यू थिंग एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अ ट्रांजेक्शनल ई कॉमर्स या ट्रांजेक्शनल वेबसाइट आसान लफ्जों में कि जब भी कोई चीज हमने ऑनलाइन सेल या ऑनलाइन परचेस करनी है तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन डू सेल एंड परचेज अब आप लोग ऑब्वियसली मेरी इस बात पे कंफ्यूज हुए होंगे होना चाहिए नाउ लेट मी कि मैं क्या कह रहा हूं वेबसाइट जो है जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं बेसिक जो गोल है लेट्स एग्री टू द बेसिक्स बेसिक गोल ये है कि हमने प्रोडक्ट को सेल करना है वो बेसिक है उससे मैं डेविएट करता नहीं कर रहा अब जिस चीज को मैं ज्यादा ब्रॉडर डिस्कशन में लेके जाना चाह रहा हूं वो ये है कि वेबसाइट का मकसद सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग नहीं होता ई कॉमर्स में डज इट ट्रांसलेट टू इससे मुराद क्या है कि जो सेलिंग और परचेजिंग है ना वो ऑफलाइन भी हो सकती है अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आ, अगर सेलिंग और परचेजिंग ऑफलाइन भी हो सकती है तो व्हाट रोल द वेबसाइट इज गोइंग टू पे या आसान लफ्जों में कहूं कि मैं उसको ई e कॉमर्स क्यों कह रहा हूं वाई आई एम आई एम कि ऑफलाइन ऑल्सो या जो ऑफलाइन वाला मोड है वो आ, वो ई e कॉमर्स के मेला में कैसे आता है नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट विद अ बिट ऑफ गिमिक जो कस्टमर होता है जब उसने कोई चीज खरीदनी है तो उसको जो चीज सबसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लुकिंग फॉर लेट सपोज अ कार और फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अ लैपटॉप तो पहली चीज मुझे यह पता होनी चाहिए कि उसकी इंफॉर्मेशन मेरे तक कैसे पहुंचेगी हाउ द कंपनी और हाउ द कंपनी विल रीच मी में तक पहले इंफॉर्मेशन ये कैसे पहुंचेगी यानी जो कस्टमर जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी अब उसके जो मल्टीपल जरिए हो सकते हैं अब जैसे मल्टीपल uh, जरियो में आपके पास वेबसाइट हो सकती है ऑब्वियसली वेबसाइट होगी अब वेबसाइट जो है uh, वो भी मल्टीपल तरह की हो सकती हैं जैसे यहां पे आपको नजर आ रही है मर्सिडीज बेंस की वेबसाइट अब ऑब्वियसली मर्सिडीज बेंस जो है वो मैंने ऑनलाइन ही खरीदनी लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि फिर मर्सडीज की वेबसाइट में आपको दिखा क्यों रहा हूं एंड उससे बड़ा क्वेश्चन कि व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये कॉमर्स e के मेला में आता है रीजन वेबसाइट इज अ वे टू सेल अ प्रोडक्ट यानी ये तो मैंने आपको जानबूझ के इंटेंशनली गाड़ियों की वेबसाइट दिखाई है ताकि आपको मैं ये बताऊं कि वेबसाइट के, के थ्रू भी आ, सेल परचेज हो सकती है और नहीं भी हो सकती रीजन ये वेबसाइट मुझे अनेबल कर रही है मुझे इंपावर कर रही है एज अ कस्टमर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कि गाड़ियों के कौन से मॉडल मौजूद हैं मर्सिडीज बैंक के कौन से मॉडल मौजूद हैं कौन सी क्लास मौजूद है एंड सो ऑन दिस इज अ बिगर एंटिटी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ऑब्वियसली मैं महंगी गाड़ी जाके वेबसाइट से नहीं खरीदूंगा लाइकवाइज इफ आई रेफर टू एमेजॉन नाउ अब आपको जो ये एमेजॉन नजर आ रहा है नाउ ऑब्वियसली यहां पे मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा दीज आर फॉर स्मॉलर प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कपड़े खरीदने हैं मैंने कोई ज्वेलरी खरीदनी है मैंने कोई परफ्यूम खरीदना है इवन मोबाइल फोन खरीदना है एंड सो ऑन तो अब ये जो एमेजॉन वाली वेबसाइट है ऑब्वियसली दिस इज अ अंट इन द इन द ऑनलाइन रिटेल सेलिंग लेकिन अब ये ट्रांजेक्शनल वेबसाइट है मतलब मैं इस वेबसाइट के थ्रू एक्चुअली क्रेडिट कार्ड नंबर देके या आ, पेपाल के जरिए जो भी पेमेंट है मैं चीजें बाय कर सकता हूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट जो ट्रांजेक्शनल वेबसाइट है उसका कॉन्सेप्ट उसका मकसद सिर्फ ट्रांजेक्शन करवाना नहीं है उसका मकसद मेन मकसद यह है कि कस्टमर को अनेबल करना टू डू द ट्रांजेक्शन तो जो मर्सिडीज बैंक की वेबसाइट थी वो कस्टमर को अनेबल कर रही है उसको इंफॉर्मेशन दे रही है उसको आप लोग सबने उसकी तरफ आ, उसको अपडेट दे रही है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ियों में इंटरेस्टेड है एंड देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑनलाइन ऑडियंस जो कि इंटरेस्टेड है तो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए लेटेस्ट गाड़ियों को इंफॉर्मेशन चाहिए गाड़ियों का नया मॉडल कब आ रहा है उसकी प्राइजेस कब अप एंड डाउन हो रही हैं क्या फैसिलिटीज़ गाड़ी के अंदर मौजूद हैं एंड सो so ऑन तो वो अनेबल कर रही है परचेजिंग को लाइकवाइज जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं वो एमेजॉन के जरिए मैं ऑनलाइन ब्राउज करके ऑनलाइन ही खरीदूंगा मतलब आई डोंट नीड टू वेट आई डोंट नीड टू गो टू द शोरूम मैं शोरूम में नहीं जाऊंगा लाइकवाइज इन द केस ऑफ परचेजिंग द कार मेरा एक्चुअल शोरूम वर्चुअल है लेकिन दोनों की दोनों जो वेबसाइट हैं एक्चुअली हैं दोनों ट्रांजेक्शनल वेबसाइट एक डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करवा रही है लाइक like एमेजॉन और जो दूसरी वेबसाइट है वो ट्रांजेक्शन को अनेबल कर रही है ताकि कस्टमर परचेजिंग की तरफ आए चाहे ऑफलाइन ही हो लेकिन उसको मोटिवेट कर रहा है टू टू डू द परचेजिंग ऑफलाइन